हमारे आमदार अबू हासिम आजमी, हमारे एमएलए हमारे चहेते और उनका पुतला जलाया जा रहा है, तो अगर हमारे सामने अगर उनकी इतनी ताकत, दंडा उनके पिछवाड़े पे मार के लाल कर दिया जाएगा। पुतला जलाना है तो बोलना, इतनी हिम्मत रखे पुतला जलाने के बाद, क्योंकि उनका जो पिछवाड़ा है ना, इतनी मजबूती से हम लोग को गब्बर आदमी बोलते हैं, हम लोग को तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के समाजवादी पार्टी के नगर सेवक फहद आजमी अपने साथियों के साथ बाइक रैली निकाली और कहा कि अबू हासिम आजमी का पुतला जो भी जलाएगा उसकी पिटाई की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों एनसीबी ने आसिफ सरदार नाम के व्यक्ति को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था और इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अबू हासिम आजमी ने एक न्यूज़पेपर में बयान दिया था कि हजरत मोइन मियां पर भी इंक्वायरी की जाए, जिसके बाद हजरत मोइन मियां के चाहने वालों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई और गोविंडी में नाराज लोगों ने अबू हासिम आजमी का पुतला जलाने की कोशिश की, मगर समाजवादी पार्टी के नगर सेवक फहद आजमी अपने साथियों के साथ गोविंडी में बाइक रैली निकाली और बाकायदा माइक से अनाउंस किया कि अगर अबू हासिम आजमी का जो भी पुतला जलाएगा उसे पिटाई की जाएगी। वहीं एक चैनल को भी दिए बयान में अबू हासिम आजमी ने हजरत मोइन मियां पर इंक्वायरी के बयान से इनकार किया है, मगर अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए किस तरह से गोविंडी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बाइक रैली निकाली और क्या बयानबाजी की है। हाँ, तो ये किस प्रकार का मतलब आप लोग जमा हुए हैं? इस प्रकार पे जमा हुए हैं कि हमारे आमदार अबू हासिम आजमी, हमारे एमएलए हमारे चहेते और उनका पुतला जलाया जा रहा है। कोई भी पीठ पीछे क्या कर रहा है वो हम नहीं देखे, उनके ताकत है या कुछ भी है तो हमारे सामने है, हम उनके चाहने वाले हैं। और हमारे फहद आजमी हमारे नगर सेवक चहेते 134, तो उनके इतनी ताकत नहीं है, जो सामने वाले जो कुछ भी कर रहे हैं हरकत, उनकी इतनी ताकत नहीं हमारे सामने आगे करें, तो अगर हमारे सामने अगर उनकी इतनी ताकत, दंडा उनके पिछवाड़े पर मार के लाल कर दिया जाएगा। आरिफ खान, समाजवादी। आप क्या बोलना चाहेंगे बाद में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जो आसिफ सरदार ड्रगी, जिसने नशा का मुहिम चलाया पूरे बॉम्बे में और लोगों को, पुलिस वाले लोगों को गुमराह किया कि मैं नशे के खिलाफ हूँ, और कल वो पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में पुलिस उसको अरेस्ट करती है, और जो सबसे चहेते जिनके राइट हैंड, जो लोग अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, आज उनके दो चार जो गुर्गे लोग हैं, कल वो पुलिस स्टेशन गए थे आमदार साहब के ऊपर केस करने के लिए, हम लोगों को मालूम पड़ा, लेकिन उन लोग वहाँ से चले गए। तो आज हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है कि वो पुतला जलाना चाहते हैं। पुतला जलाना है तो बोलना, इतनी हिम्मत रखे पुतला जलाने के बाद, क्योंकि उनका जो पिछवाड़ा है ना, इतनी मजबूती से हम लोग को गब्बर आजमी बोलते हैं, हम लोग को उनका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी के और अबू हाशिम आजमी साहब के चाहने वाले और इसमें जितने भी युवा लड़के हैं, आप देख रहे हैं ये सब पार्टी के लोग नहीं है, ये अबू हाशिम आजमी के चाहने वाले लोग हैं, तो उनके हम लोग उनकी फील्डिंग में लगे हैं कि जब वो पुतला जलाएंगे